आज हम लोग करने वाले PUBG टेस्ट पूरा एक घंटा विद फुल मैक्स परफॉर्मेंस सेटिंग्स के साथ में सैमसंग के दो नए फोन में, जो कि है एक है सैमसंग गैलेक्सी A32 और एक है सैमसंग गैलेक्सी F62। देख सकते हो दोनों ही काफी ज्यादा प्यारे हैं। पर्सनली प्रीमियम फील में बोलोगे तो लुक्स में मेरे को ये ज्यादा पसंद है, और अगर बोलोगे परफॉर्मेंस के मामले में ऐसे तो मुझे ये ज्यादा पसंद है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो फुल एंड तक देखो, मैं आपको बता दूंगा एक्चुअली में दोनों में से कौन सा सबसे अच्छा है, ठीक है। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, मैं नाम अंकित, आप देख रहे हो टेकी अनबॉक्सिंग चैनल को। अगर अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लेना। इस वीडियो को छोटा सा लाइक करो और नीचे कमेंट करके बताना कि आपका बेस्ट दोनों में से कौन सा फोन है, और फुल एंड तक देखो आपको मालूम चल जाएगा मेरे पास जो वेरियंट है दोनों का दोनों ही 6GB वाला वेरियंट है, 128GB इंटरनल देखने को मिलेगा। प्राइसिंग अगर बात करें तो आपका A32 जो है ये 22,000 में देखने को मिलेगा ऑन Amazon या Flipkart में, देख सकते हो, नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर परचेस करना है तो ये वीडियो को एंड तक देख लो, फिर आपको मालूम चल जाएगा कि गेमिंग के लिए ये फोन एक्चुअली में है कि नहीं है। सो ये आपको 22,000 में मिल जाएगा, 6GB रैम, 128GB इंटरनल, दो तीन कलर के साथ आता है। सैमसंग गैलेक्सी F62 देखने को मिलेगा 23,999, 24,000 में मिल जाएगा 6GB रैम विद 128GB इंटरनल Flipkart पे। तो हाँ, थोड़ा स्पेक्स का बात अगर करें तो दोनों पे ही बहुत ज्यादा ही डिफरेंट है। प्राइसिंग का डिफरेंट तो थोड़ा मोरा है, 2-3 हजार का है, लेकिन स्पेक्स के मामले में बहुत हद तक का डिफरेंट है, ठीक है। तो आपका A32 आता है MediaTek का हीलियो G80 प्रोसेसर के साथ, जो कि 7 नैनोमीटर के ऊपर है, और ये एक ओल्ड प्रोसेसर है, ठीक है। और यही आपका सैमसंग गैलेक्सी F62 में आता है एक्जीनोस का 9825 प्रोसेसर, जो कि एक 2 साल पुराना प्रोसेसर है 7 नैनोमीटर के ऊपर, लेकिन एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर बैटरी एमएच का बात करें तो ये आपका 5000 बैटरी एमएच के साथ आता है, ये आपका 7000 बैटरी एमएच के साथ आता है। इसमें आपको 15 वॉट का चार्जर इनबॉक्स मिलता है फास्ट चार्जर, और इसमें आपका 25 वॉट का फास्ट चार्जर इनबॉक्स देखने को मिलता है। अगर डिस्प्ले का बात करूं तो डिस्प्ले भी देख लो, मैं बता देता हूं। गैलेक्सी A32 6.5 इंच डिस्प्ले के साथ आता है, जिसमें सुपर एमोलेड 90Hz का रिफ्रेश रेट है, जिसमें 9800 nits का ब्राइटनेस के साथ आता है, देख सकते हो 90fps अभी भी चल रहा है, और गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आता है। अगर हम लोग बात करें सैमसंग गैलेक्सी F62 जिसका है 6.7 इंच का 60Hz देखने को मिलेगा, सुपर एमोलेड विद 420 nits ब्राइटनेस के साथ आता है। ब्राइटनेस दोनों में अच्छा है, दोनों ही सुपर एमोलेड देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा हाला मतलब साइज में बड़ा देखने को मिलता है, इसमें पंच होल आपको देखने को मिलता है, ये थोड़ा ज्यादा नया मतलब लेटेस्ट लगता है, फ्यूचरिस्टिक फोन लगता है, ये आपको थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन दोनों ही वाकई काफी कूल है डिस्प्ले के मामले में। इतना तो आइडिया लग गया डिस्प्ले बैटरी वगैरह के बारे में। अब डायरेक्ट हम लोग भैया गेम जो है वो ऑन करते हैं। ये है पबजी, दोनों में ही पबजी ऑन करके देखते सबसे पहले जो कौन पबजी खोल के देगा हम लोगों को। तो यहाँ पे दोनों को मैं एक साथ क्लिक करता हूँ और यहाँ देखते भाई, तो यहाँ पे देख सकते हो सैमसंग गैलेक्सी F62 जो है वो बहुत पहले खुल गया। तो यहाँ पे क्लियर विनर जो है F62 है, देख सकते हो। यहाँ पे आपका A32 है, मैं दिखा देना चाहता हूँ, और ये आपका A32 है यहाँ वाला, और ये है आपका F62 यहाँ वाला, ओके। सो कोई भी ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। गैलेक्सी A32 ऐसे तो आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट के साथ आता है, लेकिन जब आप गेम खेलोगे तब आपको 60 फ्रेम ही मिलेगा, तो मतलब समझो दोनों फोन में आपको 60 फ्रेम देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे जायरोस्कोप जो है ये यहाँ पे मैंने ऑन करके रखा हुआ है, ऑलवेज ऑन पे है, तो इसमें भी आपको जायरोस्कोप मिलता है, यहाँ पे भी मैंने ऑन करके रख दिया दोनों में। अगर मैं ग्राफिक्स का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका स्मूथ चलता है, बैलेंस चलता है, HD चलता है, ओके, HDR नहीं चलता है। तो यहाँ पे लास्ट जो है वो HD है, HD में आप हाई में खेल सकते हो। यहाँ पे ये स्मूथ जाता है, बैलेंस जाएगा आपका, HD जाएगा, HDR जाएगा, अल्ट्रा HD नहीं जाएगा। तो यहाँ पे अल्ट्रा HD में आप गेम को प्ले कर सकते हो। तो यहाँ पे HDR में मैं अल्ट्रा में खेलूंगा, और इसमें मैं HD में हाई में खेलने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बाकी सब देख लियो सेटिंग क्या देखने को मिलता है आपको। और अगर मैं अभी बैटरी का अगर बात करूं दोनों फोन का, यहाँ देख सकते हो ये 40% बैटरी चार्ज देखने को मिलता है A32, एंड यहाँ पे F62 आपका 29% बैटरी चार्ज है। तो लास्ट तक देखेंगे कितना बैटरी ड्रेन एंड ऑल ये भी होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बात करूँ तो आपका A32 अभी 34% हिटनेस पे है, और ये आपका 32-33 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो, ओके, सो लेट्स बिगिन, 1, 2, 3 मैच स्टार्ट और टाइमर भी स्टार्ट।
ओके यहाँ देखो दोनों जन एक ही मैच में गया है, वो मैं हूँ ठीक है। मैं स्टॉप करता हूँ, देखो स्टॉप हो गया ना, यहाँ वहाँ करूँगा, देखो दोनों का दोनों एक ही मैच में है। ये बहुत सही चीजें हैं, दोनों एक ही मैच में चला गया। देखो ये रहा मैं, ठीक है भाई किसको रोकूँ, ये रोकना है, दोनों एक ही मैच में चला गया है, काफी सही चीज है। तो अब खेलने में ज्यादा मजा आएगा पता है, मैं दोनों को एक ही जगह उतारूंगा, फिर वहां से मैं मैराथन दौड़ाने वाला हूँ, मतलब दोनों एक ही में मजा आ गया। और यहाँ पे जो फ्रेम रेट है ये 60 का आपको कंटिन्यू देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको फ्रेम रेट देखने को मिल जाएगा। और लेट्स बिगिन, देखते हैं भाई। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो 30 मिनट हो चुका है हम लोग का पबजी प्ले करते हुए। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ टेम्परेचर क्या अभी देखने को मिलता है। जो नॉर्मल टेम्परेचर है ये 27 है रूम का, और यहाँ पे अगर सैमसंग गैलेक्सी A32 का अगर आप देखोगे टेम्परेचर, तो 39.6 जा चुका है, और नीचे की तरफ में 35.4 जा चुका है। और यहीं अगर सैमसंग गैलेक्सी F62 का अगर बात करते हो, तो यहाँ पे 41.6 जा चुका है, और यहाँ पे ये नीचे की तरफ 35.7 जा चुका है। सो गाइज यहाँ पे टोटल 1 आवर का पबजी प्ले ये हो चुका है, और यहाँ पे फटाफट हम लोग फोन को लॉक करते हैं। ओके सो फोन को, ओके अगर बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है तो आई एम रियली सॉरी, कि लिए बहुत जोर जोर से बारिश आ रहा है आज, में पता नहीं क्या हुआ, सुबह से बारिश आ रहा है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फोन का हिटनेस कितना जा चुका है। ओके सो यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये 41.3 जा चुका है A32 में, और नीचे में आपका 36 है, और F62 में आपका 41.2 जा चुका है, और नीचे में आपका 35 देखने को मिलता है। अभी आप दोनों फोन पे बैटरी देख सकते हो, यहाँ पे आपका जो आपका A32 है इसमें बैटरी 25% हो चुका है, और यहाँ पे F62 में आपका 17% बैटरी ड्रेन हो चुका है। और यहाँ पे दोनों ही बैटरी अलग अलग है, तो आपको अलग अलग रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ऑब्वियसली मेरा अगर चॉइस होगा, बिकॉज ऐसा तो नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम आपको कंपेयर करके डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, नहीं, यहाँ पे मैंने बहुत बार गेम प्ले वगैरह किया इसको, तो मैं ये मेरे पास आज में आया, तो आज सुबह से मैं गेम प्ले वगैरह सब कुछ कर रहा हूँ, ये मेरे पास बहुत पहले से है, तो मैं इसमें गेम प्ले वगैरह किया, तो सबसे बेस्ट मेरे को लगा एक्सपीरियंस गेमिंग के मामले में वो है सैमसंग गैलेक्सी F62। ये बहुत अच्छा आपको आउटपुट देगा अगर आप गेमिंग के लिए लेते हो ये वाला स्मार्टफोन। तो ये है कुल मिला के हिसाब किताब सैमसंग गैलेक्सी A32 वर्सेस F62 पबजी टेस्ट। आई होप आपको मालूम चल गया हो कि कौन सा फोन आपको लेना है। सो यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर लेना, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।